पशु मंडी व किसान मेला नमहोल का शुभारंभ अमरजीत सिंह बंगा अध्यक्ष जिला परिषद बिलासपुर द्वारा टेरेस स्टेडियम नमहोल में किया गया। प्राचीन राम मंदिर नमहोल में पूजा अर्चना के उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई तथा मेले के मैदान में मुख्य अतिथि द्वारा बैल पूजन करके खूंटा गाड़ा गया। मेला कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल टोपी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पशु मंडी व किसान मेला नमहोल का शुभारंभ अमरजीत सिंह बंगा अध्यक्ष जिला परिषद बिलासपुर द्वारा टेरेस स्टेडियम नमहोल में किया। प्राचीन राम मंदिर नमहोल में पूजा अर्चना के उपरांत शोभा यात्रा भी निकाली गई तथा मेला मैदान में मुख्य अतिथि द्वारा बैल पूजन करके खूंटा गाड़ा गया। मेला कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल टोपी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा जनता को संबोधित करते हुए बताया कि मेले आपसी भाईचारे के प्रतीक हैं और मेले हमारी संस्कृति है और मेलों में कोई भी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मेलों को आपसी भाईचारे में करवाने चाहिए ताकि हमारा समाज बच सके और मेलों में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले सके। उन्होंने बताया कि इस मेले में मुझे 3 बार आने का मौका मिला है। इस मेले में मुख्य अतिथि के साथ मेला समिति के वरिष्ठ सदस्य विकास ठाकुर व नमहोर BDC सदस्य जीवन लता ठाकुर, ग्याल पंचायत प्रधान पदम देव शर्मा, मेला कमेटी प्रधान बाबूराम सिसोदिया, महासचिव शोभा राम ठाकुर, कोषाध्यक्ष नंदलाल कौंडल, मीडिया प्रभारी सुभाष ठाकुर व मेला समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। वो आप सबके बीच में भी ले जाना चाहूंगा कि मेला जो है हमारे आपसी भाईचारे का प्रतीक है, हमारे क्षेत्र की एक शान है। इन मेलों के अंदर अगर हम इस प्रकार की राजनीति लाते हैं तो हमारे लिए एक शर्म की बात है। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि भाइयों, हमारा समाज जो है मेले हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। आप इस प्रकार से अगर मेलों के इस आयोजनों को आप बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें सीख कर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उनको उस चीजों से भी आप वंचित करना चाहते हैं। तो मैं एक चीज उन सामान्य नागरिकों को भी कहना चाहूंगा कि आप सब आइए, सब मिलजुल कर इस मेले का आप अच्छी प्रकार से आयोजन करेंगे तो हमारा ये नमहोल का जो मेला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारा इस इतना बड़ा यहाँ पे ये एरिया है, इतनी सारी पंचायतें हमारी यहाँ पे जुड़ी है और हमारा राजधानी के साथ का ये क्षेत्र है, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस मेले में 4 साल